भाई जैसे जैसे करना नैना की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे शो में हो रहे हैं बड़े बड़े खुलासे। और आपको बता दें कि संध्या के राज का हो गया है पर्दाफाश। आखिर क्या है वो राज, चलिए आपको दिखाते हैं। आज खुलेगा एक बड़ा राज, सामने आएगा चौहान परिवार का पूरा सच। सीरियल स्वाभिमान का ये नजारा देख उड़ जाएंगे आपके भी होश, जैसे नैना के उड़े हैं। यही सच है, तभी तो पुष्पा यहाँ आई है सांवरी की शादी कराने। इस शो में अभी तक की सबसे बड़ी सच्चाई बाहर आ गई। आई थिंक ऑडियंस को भी इसका इंतजार था, सबको जानना था झरोके में क्या है। मुझे पर्सनली लोग पूछते थे तो वो फाइनली पता लग गया झरोके में तो कुणाल की पिक्चर्स है, और कन्फर्म भी हो गया दैट कुणाल इज नॉट एन के निर्मला सन, ही इज मासिमा सन। तो आई थिंक बहुत बड़ी सच्चाई है जो खुल गई, जो नैना को पता चल गई है सबसे पहले, और बहुत बड़ा सच है नैना के लिए भी पहले एक्सेप्ट करना। बट उससे भी बड़ी बात है कि क्या उसे पूरे परिवार को बताना चाहिए या नहीं। और देखिए कैसे पुष्पा संध्या को धमका रही है, लेकिन ये बात अब आ गई है नैना के सामने, तो क्या लगता है नैना इस बात को पूरे परिवार के सामने लेकर आएगी? कहीं ऐसा ना हो कि खतरे में पड़ जाए नैना और करण की शादी। आई थिंक वो तो तभी नहीं होगी उस वजह से शादी, अगर ये सच बाहर आता है। बट आई थिंक नैना जैसा कैरेक्टर इतनी खुशी वाला माहौल खराब नहीं करना चाहेगा इतनी बड़ी बात बताकर। बट वो अभी तो फिर भी डिलेमा में ये कि बताऊं या नहीं, बट लेट्स सी। आई डोंट थिंक नैना और करण की शादी को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, अगर फर्क पड़ेगा तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है जो आप देखो। लेकिन नैना खतरा तो है, पुष्पा तो अभी से सांवरी से गणपति जी की स्थापना कराने की दे रही है संध्या को धमकी। लेकिन एक तरफ जहाँ ये सब देखने को मिल रहा है, वहीं देखिए कैसे कुणाल दादाजी और नैना के बीच दिखाई प्यारा सा सीन है, जहाँ पर क्योंकि अभी शादी दोबारा हो रही है तो मैं तो अभी नैना तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मैं बहू की तरह ही रही हूँ यहाँ पर, तो मैं पूछती हूँ कि चाय लाऊं दादाजी और जीजू को, और जीजू मेरी टांग खींचते ये कहकर कि मुझे मेरी शादी होने वाली है, मुझे थोड़ा शर्माना चाहिए और ऐसे आराम से घर में नहीं घूम सकते। तो मैंने बोलती हूँ कि मतलब शर्माती तो एक बहू है और मैं तो उस घर की बेटी हूँ। तो आई थिंक कुणाल और नैना का हमेशा से एक क्यूट बॉन्ड रहा है जीजू और साली का, और हमेशा वो उसके लिए खड़ा भी हुआ जब उसे जरूरत पड़ी है उनकी, तो बहुत स्वीट बॉन्ड शेयर करते हैं। इस सीन में तो वो पर्टिकुलरली मेरी टांग खींच रहे हैं। हाँ नैना, देखा हमने कितना प्यार है सब में, लेकिन अब हमें तो चिंता हो रही है आपके भविष्य की। अब आप ही सिचुएशन को बनाए या बिगाड़ सकती हैं। कुछ ऐसा करिए कि आपकी और करण की शादी हो जाए और इस घर की खुशियाँ यूं ही बनी रहें।